हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं मतलब बनाने जा रही हूँ विंटर फेस स्क्रब, क्योंकि आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, ये बहुत ही इंस्टेंट घर पे आपका रेडी हो जाएगा स्क्रब। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो गाइज, हमें विंटर स्क्रब तैयार करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी अभी विंटर सीजन चल रहा है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है और बहुत ही फ्लेकी हो रही है स्किन, जिसकी वजह से हमें बहुत इचीनेस होती है अपने फेस पे, कहीं के पिंपल्स हो रहे हैं, रेडनेस भी हो रही है। ये हम आजकल हमें ये सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपके यहाँ पे जो नोज़ के पास है, आपके डेड स्किन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए गाइज, स्क्रब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम स्क्रब तो यूज़ कर लेते हैं, बट हमें पता नहीं लगता है हम समर वाला यूज़ करें या विंटर वाला, क्योंकि हमें इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं होता। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर के लिए एक बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा इसके लिए मलाई। यहाँ पे मैं मलाई ले रही हूँ, आप काऊ की ले सकते हो मलाई, या बफलो वगैरह, किसी जो भी आप दूध यूज़ करते हो उसकी आप मलाई उतार लेना। फ्रेश मलाई चाहिए होगी। यहाँ पे मैं नियर अबाउट 1 टेबल स्पून मलाई की ले रही हूँ। इसमें आप ऐड करेंगे हमारा जो वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ राइस फ्लावर। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर की ले रही हूँ। आई एम एडिंग दिस इनटू दिस। तो आप देख सकते हैं कि राइस फ्लावर में ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करती हैं, वाइटन अप भी करती हैं नेचुरली, और हमारी जो सारी डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर का ऐड कर दिया है। आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि आजकल सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, आमंड। तो मैं इसमें घर पे बनाया हुआ मैंने आमंड पाउडर, या मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो जहाँ वहाँ पर जाके। आपको ईजिली इंस्टेंटली होममेड आमंड पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने बादाम का घर पर ही पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून बादाम के पाउडर की ले रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आई एम एडिंग दिस 1 टेबल स्पून ऑफ आमंड पाउडर। ये मेरा घर पे ही बनाया हुआ है गाइज। आप मार्केट से लेंगे आपको एक तो महंगा पड़ेगा और एक फ्रेश भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं नीर अबाउट 1 टेबल स्पून आमंड पाउडर का ले रही हूँ। इसमें भी मैंने इसको ऐड कर दिया। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट है जो कि थर्ड, दैट इज़ हमारा नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पे नीर अबाउट 1.5 टेबल स्पून मैं नेस्कैफे का पाउडर ले रही हूँ। तो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नेस्कैफे कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। जो कॉफ़ी हमारी स्किन को बहुत ही एंटी ऑक्सीडेंटरी होती है, जो हमारी स्किन में से हमारी एजिंग का कंसेप्ट ख़त्म करती है। हमारी जो एजिंग हो रही है, एंटी रिंकल स्किन हो जाएगी उसका काम करेगी, और आपकी जो स्किन की ड्राइनेस है वो ख़त्म करेगी। विंटर सीजन में मोस्टली हम सभी कॉफ़ी से बने हुए फेस मास्क यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ सिल्की बना देती है, और इतनी सपल स्किन हो जाती है कि आपको कुछ क्रीम वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी की ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ शुगर, क्रिस्टल शुगर आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा बारीक पीसना चाहते हैं तो आप सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। तो आई एम टेकिंग हियर द शुगर, ये ऑप्शन टोटली ऑप्शनल है गाइज, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ यहाँ पे, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। तो अगर आपके पास आमंड पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स वाली। जिनकी स्किन ड्राई है वो उसको थोड़ा सा पीस लें, और जिनकी स्किन ऑलरेडी स्मूथ सफल है वो उसको एज इट इज क्रिस्टल यूज़ कर लें। तो मैंने इसका आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया कि अगर आपके पास आमंड पाउडर नहीं प्रेजेंट तो आप इसकी जगह पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चाय वाली चीनी होती है। अब गाइस, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हनी। आप इसका अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाए, इसमें मैं थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट हनी का ऐड करूँगी, नियर अबाउट 1 ड्रॉप, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने मलाई डाल दी है तो आपकी ये अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन पे। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा मिल्क, सो दैट कि हमें अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारा फेस पैक रेडी हो जाए। तो आई एम टेकिंग हियर द 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क। तो आपको अब ये आपका स्क्रब गाइज रेडी हो चुका है। इस स्क्रब को आप अपनी बॉडी पे लगाएं चाहे अपने फेस पे लगाएं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है गाइज। तो आप इसको यूज़ करने से पहले हल्का अपने गैस पे गर्म कर सकते हो, क्योंकि ये मलाई होती है वो थोड़ी सी जमने लग जाती है सर्दियों की वजह से। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये कितना अच्छा ये फेस पैक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये आपका फेस स्क्रब है। ये थोड़ा सा वो रनिंग सा हो रहा है, आप इसमें थोड़ा सा और अमाउंट
आमंड पाउडर या फिर राइस फ्लावर के ऐड कर सकते हो. आई एम टेकिंग स्मॉल बिट ऑफ राइस फ्लावर सो दैट इसकी कंसिस्टेंसी हम अच्छी कर सकें. तो गाइस ये वेरी इंस्टेंट जो आपका फेस स्क्रब सर्दियों में रेडी होने वाला है. अगर आप इसको मैं अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया, आप देख सकते हैं. अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. तो ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना अच्छा है आपका स्क्रब रेडी हो चुका है, होममेड और बहुत ही ज्यादा घर से बनी चीजें. क्योंकि आमंड पाउडर में विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है जो कि आपकी स्किन को रिंकल से, आपकी ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन सभी से आपको बचा के रखता है. इसलिए मैं आमंड पाउडर को यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप यूज करें. आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो शॉर्ट्स में, वहाँ पे मैंने आमंड पाउडर घर पे कैसे बनाया है आप देख सकते हैं. तो इसमें मैंने गाइस यूज किया है, सबसे पहला है राइस फ्लावर, सेकेंडली हमने यूज किया आमंड पाउडर, थर्डली हम इसमें यूज कर रहे थे कॉफी, देन हमने इसमें हनी डाला थोड़ा सा और थोड़ा सा दूध भी डाला और जो शुगर है दैट इज टोटली ऑप्शनल पाउडर. गाइस अगर आपके पास आमंड पाउडर नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह पे क्रिस्टल वाली शुगर भी यूज कर सकते हो. तो मलाई तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन बहुत ही जल्दी स्मूथ और सफल बन जाएगी. तो गाइस आप इसको अपने बॉडी पे, अपने फेस के लिए किसी भी यूज कर सकते हो. और स्पेशली जो ब्राइडल है आजकल वो भी इस स्क्रब को बिना भेजे जब यूज कर सकती हैं. तो गाइस आप मुझे बताना डेफिनेटली यूज करके कि आपको ये स्क्रब कैसा लगा. स्पेशली विंटर के लिए स्क्रब बनाया मैंने, तो आप मुझे जरूर इसको बना कर बताना कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे. तो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फाइन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.